हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में फर्स्ट थिंग है जो हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम चेक करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ दे आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स देन वी एड अ डमी रो और डमी कॉलम इन विच ऑल द वैल्यूज़ आर ज़ीरो। After balancing the assignment problem, we first go for row reduction. What happens in row reduction is you are going to subtract the minimum value of every row from all the values of that particular row and form a new matrix, right? Means that from every row you are going to check whether you are going to check the minimum value and you are going to subtract that minimum value from every row aur aap ek nayi matrix banaoge. ठीक है। सिमिलरली कॉलम रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम हर कॉलम वाइज चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू को और उसको सारे कॉलम की वैल्यूज़ में से माइनस कर देते हैं और एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बाद हम असाइनमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो जब हम असाइनमेंट्स करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स हैं आर दे इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़। इफ़ नो then you do have not achieved the optimal solution, if yes then the solution is the optimal solution. अगर आपकी number of assignments equal नहीं है number of columns के, तो what you have to do is select the row with no assignment and mark it. ठीक है, उस row को select कीजिए जिसमें कोई assignment नहीं हुई और उसको tick कर लीजिए। फिर उस tick किए हुए row में check कीजिए zero कहाँ पर है और उसका corresponding column mark कीजिए। फिर उस कॉलम में चेक कीजिए असाइनमेंट कहाँ पे है और उस पर्टिकुलर रो को टिक कर लीजिए। उसके बाद क्रॉस कर दीजिए मार्क्ड कॉलम एंड अनमार्क्ड रोज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं, फ्रॉम दी अनकवर्ड वैल्यूज़ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू और उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ऑल अनकवर्ड वैल्यूज़ में से और इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा से नई एलोकेशंस करेंगे और ये हमने तब तक करना है जब तक हमारी नंबर ऑफ़ एलोकेशंस जो हैं नंबर ऑफ़ रोज या कॉलम्स के इक्वल नहीं होती हैं। तो हम इन सब चीज़ों को लेट्स डू इट विद द एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नाउ इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट आई हैव फाइव टाइपिस्ट ए बी सी, फोर टाइपिस्ट ए बी सी डी एंड फोर जॉब्स हैं जे वन जे टू जे थ्री जे फोर। ठीक है, फोर रोज है, फोर कॉलम्स है, माय प्रॉब्लम इज़ अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट स्टेप इज रो रिडक्शन। रो रिडक्शन इज सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरी रो फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर रो एंड फॉर्म अ न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन द फर्स्ट रो, रो मिनिमम I will write down the minimum value here. In the first row minimum value is 0, second row minimum value 0, third row minimum value 0 and fourth row minimum value 0. So if I am going to write subtract 0 from 55, it is going to be 55, 20 minus 0 20, 0 minus 0 0, 10 minus 0 0, right? So I'll write down the new matrix. This is row reduction. So after row reduction my matrix will be 55, 20, 0, 10, then 50 minus 0, 0, 0, 30, 5, 20, 10, 10, 0, 40, 10, 0, 20. ठीक है, so this is the matrix after row reduction. Now the next step is we have to do the column reduction. Select the minimum value of each column and subtract it from the values of that column and form a new matrix. Now whatever procedure we performed row wise, now same procedure we have to apply column wise. So I write down here column minimum. Column minimum, in the first column minimum value is 20, second column 0, third column 0 and fourth column 0. Right, so my new matrix will be 20, 55 minus 20 is 35, then 30, 0, 20, then 20, 0,
टेन टेन ज़ीरो थर्टी टेन ज़ीरो टेन फाइव ज़ीरो ट्वेंटी. सो दिस इज़ माई मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम रिडक्शन. Now we have to do the assignment. In us for assignment, what we are going to do, check for first of all row wise, you have any single zero. Let's suppose first row we have single zero. So I am going to do the assignment here and this will be cancelled. Similarly, second row we have single zero. So this is assigned. Now in the third row we have two zeros. I am going to assign any one and this is going to be cancelled. So now my condition was for optimality, we have to check number of assignments should be equal to number of columns or rows. Over here we have number of assignments 1, 2, 3 and number of rows or columns we have 4. 3 is not equal to 4. Now the first thing we have to do is look for the row in which there is no assignment, right? So this is the row in which we don't have any assignment, and for this then look for zero in the marked row. We have to look for the zero and we have to mark that column. So in this row the zero is here. I am going to mark this column. Then look for the assignment in that marked column and mark the corresponding row. Ab is column mein assignment kahan pe hai? Yahan pe hai. To hum is row ko tick kar dete hain. ठीक है. फिर क्रॉस द मार्क्ड कॉलम एंड अनमार्क्ड रोज. रिमेंबर वन थिंग, मार्क्ड कॉलम एंड अनमार्क्ड रोज. सो दिस विल बी मार्क्ड कॉलम अनमार्क्ड रोज. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू डू फ्रॉम द अनकवर्ड वैल्यूज सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल अनकवर्ड वैल्यूज. अब अनकवर्ड वैल्यूज कौन सी हैं? 35, 20, 10, 20, 10, 20 and the minimum value is 10. So you are going to subtract this 10 from all the uncovered values and this is the intersection point, this one and this one. So you are going to add 10 over here and subtract from the uncovered values and the remaining values are going to be same. So 35 minus 10 is 25, 20 minus 10 is 10, this is going to be same and this will be 0. Similarly, 30 same, 0 same. Now, this is the intersection point. I am going to add here. 30 plus 10 is 40. This is again 5, 0, 10. Again, 10 plus 10, 20, 0. 20 minus 10, 10. 10 minus 10, 0. This is 0. 20 minus 10, 10. So, now we are going to do the assignment. In the first column, I have single 0. I will assign this and this will be cancelled. And in this column only one zero left, this will be cancelled. And in this column only one zero left, this is cancelled and this is done. So now you can see that number of assignments are equal to number of rows or columns. So we have achieved our optimal solution. So what will be the job assignment? Let's mark the original values. This particular zero is over here. Then this and then this one, right? So what will be the assignment in this case? K typist A is assigned job J4. Typist B is assigned job J2. Typist C is assigned job 1 and typist D is assigned job 3, right? And the cost will be 10, 0, 20, 0, add kiya, 30 is the total cost and this is the assignment which is optimally done as per the assignment method. ठीक है? अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, समझ आए, तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू.